गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड के अंतर्गत नेत्रहाट फील्ड फायरिंग के विरोध में हर वर्ष 22-23 मार्च को विरोध दिवस मनाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज बनाने के लिए इस क्षेत्र के 245 गांव और लगभग 3,606 वर्ग किलोमीटर की आबादी को भूमि अधिग्रहण कर विस्थापित करने की योजना है। जब फायरिंग रेंज बनेगा तो पब्लिक को तो हटाना पड़ेगा ना, विस्थापना तो होगा ही, फायरिंग रेंज बनेगा तो विस्थापना बोलने से तो बहुत बड़ा विपत्ति है, बहुत बुरी तकलीफ है आम जनता, मुआवजा देगा मानते हैं, लेकिन पैसा कितना दिन रहेगा, वो तो डेरा डंडा खोजते हुए पैसा तो खत्म हो जाएगा ना। 1991 के गजट में 1,471 वर्ग किलोमीटर, 92 में 188 वर्ग किलोमीटर, 1999 के गजट में 2,323 वर्ग किलोमीटर, कुल मिलाकर के 3,606 वर्ग किलोमीटर जमीन की अधिग्रहण की बात। यहाँ जल थल व वायु तीनों सेनाओं के लिए छावनी बनाने की योजना है, जिससे लगभग 2.5 से 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। सेना के गोलाबारी अभ्यास के समय के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, 35 बलात्कार की घटनाएं हुई, ग्रामीण गए FIR दर्ज कराने के लिए, थाना वालों ने उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया। 1993 में इसी 22-23 मार्च में ही फौजी लोग अपनी गाड़ी से आए थे, तो उस समय महिलाओं ने उस गाड़ी को रोका था। आपको लगता है क्या कि आप इस लड़ाई को रोक पाएंगे? जनता एकजुट होगी और उनकी मानसिकता होगी कि हम लोग हारेंगे नहीं, इसको जब तक विरोध नहीं करेंगे हम लड़ेंगे ही तो जरूर जीतेंगे। मैंने अपना वीडियो इस मुद्दे पर इसलिए बनाया क्योंकि 3,606 वर्ग किलोमीटर एवं 345 गांव के लोगों के लगभग 2.5 से 3 लाख के लोगों की जनसंख्या के बीच में मैं भी उन्हीं में से एक सदस्य हूं, जो इस पायलट प्रोजेक्ट नेत्रहाट फील्ड फायरिंग के बनने से विस्थापित हो सकता हूं। मैं हूं वीरेंद्र त्रिकी, हेल्ता वासुनगर, जिला गुमला, झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।